Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर की, जो कि मार्च का करंट अफेयर रहेगा और सुपर 300 जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो पूरे मार्च का एक महीने का जो है करंट अफेयर 300 पॉइंट में जो है आप पर आपके साथ चर्चा की जाएगी, और पूरा जो है ये 100 पॉइंट हम डेली जो है आपको देंगे। ये सब देख रहे होंगे 300 पॉइंट है, तो 100 पॉइंट आपको डेली दिया जाएगा। तो चलिए हम अपना जो है डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस दिन हर साल शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 जनवरी, 5 नवंबर और 1 फरवरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे, किसको मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह द्वारा देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुहिद्दीन यासीन को। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने रेलवे यात्रियों और नागरिकों के लिए किस रेलवे स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? ऑप्शन 4 बाग, CM सिटी, मुंबई सेंट्रल, आसनसोल और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आसनसोल। फिर आगे चलते हैं, किस शहर में गृह मंत्री, ठीक थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो चलते हैं आगे, किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG क्षेत्रीय हब के परिसर का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन जो होगा कोलकाता में। कोलकाता में जो है NSG क्षेत्रीय हब का के परिसर का उद्घाटन किया गया है। फिर आगे देखिए, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जो 1968 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता का हिस्सा थे और उनका हाल ही में निधन हो गया? मतलब ओलंपिक के कौन खिलाड़ी थे भारत के, जो मतलब कि जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन थे? बालबीर सिंह कुल्लर थे। फिर आगे चलते हैं कि दिग्गज एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? मतलब कि जो दिग्गज एथलेटिक्स थे जिनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मिला था, उनका जो है हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो देखिए, जो जोगिंदर सिंह सैनी हैं उन्हीं को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। फिर आगे देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का समापन हुआ, किस विश्वविद्यालय ने चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जो खेलो इंडिया गेम था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो संपन्न हुआ भुवनेश्वर में, उसमें जो है पहले नंबर पर कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। फिर आगे चलते हैं, अगला है हमारा टेनिस में राफेल नडाल ने अमेरिकी टेलर फिट्ज को हरा कर ATP मैक्सिको ओपन जीता है, वह किस देश से हैं? तो जो टेनिस में राफेल नडाल हैं ये जो है स्पेन से हैं। कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। फिर आगे देखिए, कौन सा बैंक नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए एशिया और प्रशांत में विकासशील देशों की मदद के लिए कल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 29 करोड़ प्रदान करेगा? तो ये ADB जो है, ठीक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है वो जो है 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 200 करोड़। फिर किस बैंक ने NSI में 0.21% हिस्सेदारी 104 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के लिए बेची है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए, इंडिगो एयरलाइंस ने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित अपना पहला यात्रा क्रेडिट कार्ड काचिंग लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ जो है इंडिगो एयरलाइंस ने मास्टर कार्ड द्वारा संचालित पहला यात्री क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। फिर आगे देखिए, किस दिन जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखिए, तस्नीम
मीर और मानसी सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो तस्रीम मीर और मानसी सिंह जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे देखिए, किस देश में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के शिल्प कौशलों और उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए एकम फेस्ट आयोजन किया गया? तो ये किस कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। फिर आगे देखिए, किस राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को सदन में लागू करने के बाद कागज रहित हो गई? तो वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा जो थी वो राष्ट्रीय ई विधि विधान एप्लीकेशन को सदन में लागू करने के बाद कागज रहित हो गई है, मतलब अब कागज पर यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। फिर आगे देखिए, किसको नोकिया के नए कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये पेक्का लुंडा मार्क जो है, इन्हीं को जो है जो हमारा नोकिया है, नोकिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर आगे देखिए, किस एयरपोर्ट ने एग्रो फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया है? तो देखिए, जो हमारा जो है मुंबई है, मुंबई एयरपोर्ट, ये जो है एग्रो फार्मा उत्पादन को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड लोन लॉन्च किया है। फिर आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू मतलब अरब फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश, जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है काफ़ी नाम बदल चुकी है, तो ये जो है इसी ने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरब फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या बनाना चाहता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय करना चाहता है। आगे देखिए, किस राज्य की उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश पारित किया और कॉलेज स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनैतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये केरल है, केरल के उच्च न्यायालय जो थे उसने जो है हाल ही में एक आदेश पारित किया है जिसमें जो है स्कूल और कॉलेज परिसर के राजनैतिक आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर आगे देखिए, किसको नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जाधव पाइंग को जो है पुरस्कार स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए, अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट अप्रैल से सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। भाई कोरोना की वजह से इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। यह कौन से देश, मतलब कि कौन सा देश इसकी इसके आयोजन की मेज़बानी करेगा? तो वो जो है हमारा कौन करेगा? मलेशिया करेगा। फिर देखिए, किस शहर में खाद्य और अतिथि मेला आहार का 35वां संस्करण शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। फिर आगे देखिए, किसको व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो जो है किसे नियुक्त किया गया है हमारा? वो नियुक्त किया गया है सीमा वर्मा को। फिर आगे देखिए, एक बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2020 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। फिर आगे देखिए, किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो जो वित्त सचिव के रूप में अजय भूषण पांडे जी को नामित किया गया है। किस शहर में स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल मंथन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर आगे देखिए, किसको वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क यानी कि GSTN में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है धीरज रस्तोगी को। फिर आगे देखिए, विश्व श्रवण दिवस का विषय क्या है? तो जो विश्व श्रवण दिवस जो है हमारा, इसका जो हमारा थीम थी वो थी हियरिंग फॉर लाइफ डोंट हियरिंग लॉस लिमिट यू, यानी क्या थी? हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। फिर आगे देखिए, 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन बेंगलुरु में होगा, इसका विषय क्या है? तो इसका जो विषय है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो है इसकी थीम है। फिर आगे चलते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, यह किस राज्य में है? तो जो हमारा जो है चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य ये हमारा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में
है। फिर आगे देखिए, किस शहर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है हमारा ऋषिकेश में किया गया है। फिर देखिए, बांग्लादेश के सबसे प्रमुख बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो सुधानंद महाथोरे इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, और ये प्रसिद्ध जो है बौद्ध भिक्षु थे। ठीक, तो ये हमने जो है आज 33 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके आगे जो है हम अपना कल जो है सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और लमसम 30-35 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, और जो है हमको जो है 300 क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप लोग इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।